नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ये करीब 4:15 बजे एक प्रोसेशन शुरू हुआ था हनुमान जयंती को मनाने के लिए। जो रूट था वो ट्रेडिशनल रूट था। करीब 6:15 बजे प्रोसेशन का जो पिछला हिस्सा है, आगे का हिस्सा निकल गया था, जो पिछला हिस्सा है वहाँ पे उस प्रोसेशन में जो लोग शामिल थे और वहाँ जो लोग खड़े हुए थे लोकेलिटी में, उनके बीच में आपस में तकरार हुई और उसके बाद फिर स्टोन पेल्टिंग और दूसरे इंसिडेंट्स हुए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज फिर से एक बार पथराव की घटना हुई। शनिवार हुई हिंसा के मामले में एक महिला को पूछताछ के लिए ले जाने आई पुलिस पर इलाके की महिलाओं ने पथराव शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस महिला को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। पुलिस हिंसा के दौरान गोली चलाने के आरोपी सोनू की तलाश में गई थी और उसके न मिलने पर उसकी पत्नी को पूछताछ के लिए ला रही थी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को चेतावनी दी। राकेश अस्थाना ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम सोशल मीडिया पर करीब से नजर रखे हुए हैं। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अब तक 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना के दौरान कुल 9 लोग घायल हुए थे, जिसमें 8 पुलिसकर्मी और एक आम नागरिक शामिल है। सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल मीडिया का विश्लेषण किया जा रहा है। एफएसएल टीमों ने आज घटना स्थल का दौरा किया है। कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।